कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सहप्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया। महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का भी आरोप लगाया है। नौगांव पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंघार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव गुजरात चुनाव के सहप्रभारी पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। क्या यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है? अभी हाल में ही कांग्रेस के एक विधायक का बेटा अपने आप में ऐसे ही कृत्य में गिरफ्तार हुआ है और अब कांग्रेस के सीनियर विधायक उमंग सिंघार का नाम ऐसी घटना में सामने आया, ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। हमें लगता है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनजातियों के लिए गौरव यात्रा निकाल रहे हैं तो ऐसी यात्राओं से दूरी बनाकर कांग्रेस के विधायक कैसे कृत्य में मस्त रहते हैं, ये जनता के सामने आ गया है। हम तो मांग करेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी इस रूट को शामिल करना चाहिए और उस पीड़िता के घर जाकर मालूम करना चाहिए कि कांग्रेस के विधायकों की करनी और कथनी किस तरह की।